वेलकम टू जिलियंस बायर्स एन अमेजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन एज आई ऑलरेडी सेट दैट वेल जिलियंस बायर्स एक काफ़ी अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आपके लिए काफ़ी सारे नए नए वीडियोज़ लेके आती हूँ इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन आपको बताए है काफ़ी सारी लिंक्स भी शेयर की है काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया है उसके बाद मैं काफ़ी सारे बिजनेस प्रोसेस भी आपके सामने लेके आई हूँ उसी में से ये हमारा आज का नया वीडियो है एक नया सेशन है जिसमें मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है वेंडर सिलेक्शन या फिर सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज के इस न्यू बिजनेस प्रोसेस में हम वेंडर या फिर सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे करेंगे इसके कुछ की फैक्टर्स है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पॉइंट्स है ठीक है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी सो so, देखते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सो so फर्स्ट इसके फर्स्ट सिक्स फैक्टर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेंडर का सिलेक्शन करने के लिए उसमें से हम पहला देखेंगे क्वालिटी ठीक है जब सप्लायर से हम कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई करते हैं तब उसकी क्वालिटी चेक करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो so, क्वालिटी ये रहा हमारा पहला फैक्टर हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहेगा प्राइस हमारा थर्ड रहेगा फाइनेंशियल हेल्थ ये सारे फैक्टर्स मैं आपको धीरे धीरे आगे uh, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी ठीक है सो so, हमारा फोर्थ रहेगा पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड फिफ्थ है हमारा मोड्स ऑफ पेमेंट और लास्ट है हमारा मिसलेनियस फैक्टर्स ठीक है सो फ्रेंड्स ये जो छह फैक्टर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट और की फैक्टर्स है किसी भी वेंडर का या फिर सप्लायर का सिलेक्शन करने के लिए सो so, कोई भी कंपनी अगर किसी सप्लायर को सिलेक्ट करती है तो ये शुरू में सबसे पहले ये सारे छह फैक्टर्स है इसको एक बार जरूर ओवरलुक करती है उसी के बाद ही वो किसी भी सप्लायर का सिलेक्शन करती है तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक फैक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे आगे की में सो so, फ्रेंड्स हमारा पहला है क्वालिटी ठीक है जैसे कि हम सबको पता है कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है या फिर ऑफलाइन भी शॉपिंग काफी हद तक होती है लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे तो ऑनलाइन शॉपिंग काफी जगह पे अवेलेबल है सो so, उसी में कोई भी हम अगर चीज खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसका उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले चेक करते हैं ठीक है थीके? अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो हम वो प्रोडक्ट बार बार खरीदना पसंद करते हैं इतना ही नहीं हम उस उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी ज्यादातर ज्यादा करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम हमारे फैमिली के मेंबर्स के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए उसे खरीदना पसंद करते हैं साथ ही हम उसे लोगों में उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना पसंद करते हैं कि इसी इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है आप भी उसे परचेज करो तो क्वालिटी एक ऐसा की फीचर है जो हर कोई चेक करना पसंद करता है सो फ्रेंड्स डिलीवरिंग क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर इज द की टू कैप्चर द मार्केट एंड विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो जो कस्टमर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आप जीत पाओगे सो so, so, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना ये बहुत ज़रूरी होता है देन द टारगेट ऑफ द क्वालिटी गुड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द सप्लायर सप्लायर जो भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है उसका जो भी मतलब हमारा टारगेट होता है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो यही हमारा सप्लायर का मोटिव होता है देन उसके लिए जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी होनी चाहिए ये रहा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं प्राइस ठीक है तो प्राइस में मतलब जैसे क्वालिटी काफ़ी मैटर करती है वैसे प्राइस भी उतना ही मैटर करता है क्योंकि हर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई चाहता है कि उनको वो जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी हो ही लेकिन साथ में वो प्रोडक्ट उन्हें रीजनेबल रेट में मिले सो so, कंपनी भी यही चाहती है कि सप्लायर से वो काफ़ी रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट्स खरीदे सो द प्राइस ऑफ द मटेरियल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया हाउवर इट इज द वैल्यू ऑफ द मनी दैट मैटर्स बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फ्रेंड्स मीन्स अगर कोई सप्लायर लो क्वालिटी मटेरियल कम रेट में बेच रहा है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी खराब है ठीक है अगर कोई सप्लायर ज्यादा कॉस्ट में uh, प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर मटेरियल सेल कर रहा है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है ठीक है तो ऐसा अज्यूम नहीं करना है हमें हमेशा यही चेक करना है या फिर कंपनी को हमेशा यही चेक करना है कि जो भी सप्लायर हो या फिर वेंडर हो जो प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो भी वो सेल कर रहा है ठीक है वो रिजनेबल प्राइस में हो ठीक है ना उसकी प्राइस ज्यादा हो ना उसकी प्राइस कम हो जो उसकी रिजनेबल प्राइस है उस प्राइस में अगर कोई भी वेंडर या फिर सप्लायर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो ये उसका एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सो so, प्राइस भी एक काफी की फीचर्स होता है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में सो so, फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ जैसे प्राइस इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए वैसे ही हमारे सप्लायर की फाइनेंशियल हेल्थ भी स्टेबल होना या फिर स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है मतलब सप्लायर्स uh, को भी डे टू डे उसका बिजनेस उसका ऑपरेशंस रन करना पड़ता है सो so, उसके लिए भी उसे फंड्स की जरूरत होती है सो so, हमारे सप्लायर के पास भी उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग उसका बैकग्राउंड होना चाहिए बिकॉज इफ द सप्लायर इज नॉट फाइनेंशियली साउंड इट कैन नॉट बिकम अ रिलायबल सोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मान लो कि किसी कंपनी ने सप्लायर को ऑर्डर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स का ठीक है और उसके पास उस वक्त फाइनेंशियल फंड ना होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है जिसकी वजह से डिलीवरी में डिले हो रहा है मार्केटिंग नहीं हो पा रही है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है डिलीवरी फास्ट नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से क्या होता है फिर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता हमारा उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है सो so, इसीलिए फ्रेंड्स किसी भी वेंडर का या फिर सप्लायर का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है सो so, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ठीक है जैसे फाइनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उसी तरह हमारे सप्लायर या फिर वेंडर का पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी अच्छा होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल उसका क्लाइंट्स के साथ रिलेशन कैसा है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए है काफ़ी सालों से हाँ मतलब कोई वेंडर काफ़ी सालों से उनके क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो वो सप्लायर वो क्लाइंट्स काफ़ी खुश रहते हैं उनकी तरफ से हम उनके तरफ से हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आता है हमारे हमारे लिए फीडबैक अच्छा आता है रिव्यूज अच्छे आते हैं ठीक है ठीके? तो इससे पता चलता है कि वो सप्लायर या फिर वेंडर का परफॉर्मेंस कैसा कैसा है ठीक है तो कंपनी ये भी चेक करेंगी कि जो सप्लायर वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो वेंडर वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनका, उनका, उनका वे, उनके उनका पास्ट में उनके क्लाइंट्स के साथ कैसा रिलेशन है वो काफ़ी रिजनेबल रेट में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या नहीं टाइम टू टाइम डिलीवरी दे रहे हैं या नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है ठीक है ये सारी चीज़ें जो उनके पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में मेंशन होगी ये सारी चीज़ें कंपनी वेंडर सिलेक्शन के प्रोसेस में रिकॉर्ड करेगी ठीक है सो ये हो गया हमारा पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नेक्स्ट हमारा फैक्टर है मोड्स ऑफ पेमेंट ठीक है तो जिस तरह से सबको पता है कि हर कोई बाहर मॉल में शॉपिंग शॉपिंग करता है ठीक है रेस्टोरेंट्स में मूवीज थिएटर हो गए काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करता है जिसके काफ़ी सारे मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल है जैसे कि आ, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो सबको पता है ठीक है उसी तरह कंपनी भी कभी सप्लायर्स या फिर वेंडर से प्रोडक्ट्स परचेस करने के बाद जो उसका पेमेंट होता है वो भी काफ़ी सारे मोड्स पे करना पसंद करती है जैसे कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट एज डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स चेक्स कैश इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग पेपल एक्सेट्रा ये जो इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है ये कंपनी इसके थ्रू पेमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ्लेक्सिबल रहता है ठीक है तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ पेमेंट विच इज़ अ की फैक्टर देन हमारा लास्ट है मिसलेनियस फैक्टर जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे कि प्राइस uh, है क्वालिटी है फाइनेंशियल हेल्थ है पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है मोड्स ऑफ पेमेंट है ये जो इतने सारे जो हमने फैक्टर्स अभी देखे ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही लेकिन इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी यूजफुल होते हैं जैसे कि कल्चरल वैल्यूज़ है एक्सपर्ट मैनेजमेंट है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज बाय द सप्लायर टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सेल्स आफ्टर सेल्स एक्सेट्रा सो जो एडिशनल फैक्टर्स है उसमें सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विस भी होनी चाहिए सप्लायर के टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए साथ ही साथ न्यू न्यू टाइप्स की टेक्नोलॉजी सप्लायर की तरह यूज़ की होनी चाहिए उसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ये सारे फैक्टर्स कंपनी वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में चेक करती है सो so फ्रेंड्स ये थे हमारे वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस के छह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये जो बिजनेस प्रोसेस में वेंडर सिलेक्शन का प्रोसेस था ये काफी अच्छे से पसंद आया होगा सो फ्रेंड्स आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे हमेशा क्लिक करते रहिए आपको काफी सारे बिजनेस रिलेटेड जो टिप्स है या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमारे जिलेंस बायस प्लेटफॉर्म पे ईजीली मिल जाएंगी सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन